हेलो एवरीवन, आप सबका वांगशान बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। चलिए एनिमीज टू लवर्स के पार्ट 3 को शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा था वांगजी को फुशिया ने मार्क कर दिया है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गया है। उसके बाद वहाँ पर वेंचिंग आ गई, उसने पहले फुशियान को जांचा और उसके बाद वांगजी को। वेंचिंग ने फुशियान को ये दिलासा दिया कि वांगजी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, साथ ही उसे ये पूछा कि अब उसकी इमोर्टिलिटी का क्या। यहाँ से हमें पिछली कुछ बातें जानने की ज़रूरत है। असल में ये दुनिया ऐसी है जहाँ पर हर कोई कल्टीवेटर इमोर्टल बनना चाहता है। इमोर्टल बनने के अपने अपने अलग रास्ते हैं। हर कल्टीवेटर अपना रास्ता खुद चुनता है। कोई भी किसी एक चीज़ को अपनी ताकत बनाकर उस चीज़ को कल्टीवेट करता है और इमोर्टल बनता है। जैसे म्यांम्या ने स्वॉर्ड फाइटिंग को अपनी ताकत बनाया था, वेंचिंग ने मेडिसिन को बनाया था, चिंसु गुचिन बजाने में बहुत अच्छी थी, उस जरिए वो इमोर्टिलिटी कल्टीवेट करती थी। हर किसी का अपना एक तरीका था और उसी तरह से विंग का तरीका था कि वो आजन्म ब्रह्मचर्य का पालन करेगा, वो कभी भी शादी नहीं करेगा, ना ही अपना वीर्य पतन होने देगा, ना ही किसी ओमेगा के साथ नॉटिंग या मेटिंग करेगा। इस चीज़ के साथ वो इमोर्टिलिटी कर तो रहा था, पर उसने अपना सबसे बेसिक नियम अभी तोड़ दिया था। उसने लांझा को मार्क कर दिया था। अब रहा सवाल, उसकी इतनी सारी पत्नियां थी, उनका क्या? तो ये सभी लड़कियां असल में विंग की पत्नियां नहीं, उसके डिसाइपल्स थी। बात उस समय की है जब वेन रोहान ने बाओशान सरन के यिंग यांग पवेलियन पर आक्रमण कर दिया। तब सारे डिसाइपल्स ने मिलकर उनका पुरजोर विरोध किया, पर वेन रोहान की ताकत के आगे ये सभी टिक नहीं पाए और बाओशान सरन, जो इस पवेलियन की हेड थी, गार्डियन थी, उन्होंने अपना बलिदान देकर अपने सारे डिसाइपल्स को बचाया। उस वक्त उनके पास 10 डिसाइपल्स थे, वी फुशियान और बाकी 9 लड़कियां थी। वी फुशियान सबसे ज़्यादा बहादुर और तेज था, साथ ही वो एक प्रिंस भी था, इसलिए बाओशान सरन ने अपना शरीर त्यागने से पहले यिन यांग पवेलियन की सारी जिम्मेदारी वी फुशियान के हाथों सौंप दी, उसे नया हेड बनाया। अब वी फुशियान वापस हीलिंग में आया। उसके ब्रह्मचर्य की वजह से ही उसका जेंडर रिवील होने में इतनी देर हो गई। वी फुशियान इमोर्टिलिटी कल्टिवेट कर रहा था, वो किसी भी जेंडर में अपने आप को बांधना नहीं चाहता था, इसलिए उसका कोई भी जेंडर नहीं था, कोई भी इंस्टिंक्ट नहीं थे, वो एक दैवी शरीर था, ना अल्फा ना ओमेगा। पर आम लोगों को दैवी शरीर इतनी समझ में नहीं आता, इसलिए उसे आम लोगों के बीच रहने के लिए खुद का शरीर एक अल्फा की तरह कल्टिवेट करना पड़ा। साथ ही उसने अपने सारे डिसाइपल्स की सुरक्षा और उनके भविष्य की, उनके आगे की इमोर्टिलिटी प्रैक्टिस की चिंता करते हुए उन्हें अपनी पत्नी बनाया। फुशियान अपने ऊपर किसी भी ओमेगा की छाया भी नहीं लेता था, यहाँ तक कि अपनी सारी पत्नियों की भी नहीं। उसके सभी परिवारजन, उसकी सारी पत्नियाँ इस बात का ख्याल रखती थी, यहाँ तक कि आम लोगों के बीच में घूमते हुए भी इस बात का खास ख्याल रखा जाता था, पर यह बात बाकी लोगों को पता नहीं थी, इसलिए उसका व्यवहार बाकी सबके साथ बड़ा ही आम रहता। अभी आते हैं प्रेजेंट में। विंग ने वांगजी को मार्क कर दिया था, वांगजी बेहोश था और वेंचिंग वहीं पर वांगजी को चेक कर रही थी। तभी उसे पीछे से कोई आहट सुनाई थी। वेंचिंग ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पर विंग वेंचिंग को ही घूर रहा था। वेंचिंग ने विंग का ये रूप कभी भी नहीं देखा था। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, विंग तुरंत आगे बढ़ा और उसने वेंचिंग को धक्का देकर उस मचान से नीचे गिराया। वेंचिंग जमीन पर दो पैरों पर उतरी, वो हवा में ही संभल गई थी। साथ ही उसे समझ आ गया था कि विंग के अल्फा इंस्टिंक्ट्स उस पर हावी हो रहे हैं, वो अपने ओमेगा को अपने पास चाहता है। पर वांगजी अभी भी बहुत छोटा है, अगर इस तरह से उसे विंग के हवाले छोड़ दिया जाए तो वो यकीनन वांगजी के साथ नॉटिंग करने की कोशिश करेगा और वांगजी उसे सह नहीं पाएगा,
उसकी जान भी जा सकती है। और विंग अपने हाथों से अपने ओमेगा को मार देगा, पर जब होश में आएगा तब उस पर इस बात का क्या असर होगा, ये तो वेंचिंग सोच भी नहीं पा रही थी। अब उसके हाथ में एक ही चीज़ थी, वांगची को वो किसी भी तरह से विंग से बचाना चाहती थी, पर विंग उससे 100 गुना ताकतवर था, वो चाहे तब भी उसे नहीं लड़ पाती। अब वेंचिंग ने अपना आखिरी हथियार निकाला, उसके एक्यूपंक्चर नीडल्स। इधर विंग वांगची के करीब जाने लगा था, उसका अल्फा उस पर हावी हो गया था, वो अपने ओमेगा को पूरी तरह से पाना चाहता था, उसे सेंट करना चाहता था, नॉटिंग करना चाहता था, उसके अंदर अपने पब्स भर देना चाहता था। अब विंग वांगची के ऊपर आ गया, उसने तुरंत अपने पंजों से दोनों के कपड़े अलग किए। तभी वांगची ने आँखें खोली, उसकी आँखों की पुतलियाँ बदल चुकी थी। उसने विंग को पुकारा, अल्फा, और तुरंत ही विंग ने वांगची के होठों पर अपने होठ रख दिए। विंग को किसिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, ना ही वांगची को, उनका किस बहुत मैसी सा था, पर जल्दी वो दोनों संभल गए, सीखते गए, दोनों भी उत्तेजना की चरम सीमा पर थे। वांगची ने अपने अल्फा को अपने बाहों में कस लिया था, उसके पैर भी विंग के कमर पर कस गए थे, दोनों को भी बहुत दर्द हो रहा था, वो दोनों तुरंत पास आना चाहते थे। पर तभी विंग के पीछे से वेंचिंग आई, उसने अपने एक्यूपंक्चर नीडल से पैरालाइजिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया, उसने विंग के गर्दन पर वार किया, जिसके चलते विंग अपनी जगह पर ही फ्रीज हो गया, वो बड़े जोर से घुराया, पर वेंचिंग ने उसकी एक नहीं सुनी, उसने विंग को धक्का दिया, वांगची से अलग किया। वेंचिंग ने तुरंत अपने मैजिक के जरिए वहां पर एक बैरियर बनाया, जिससे विंग और वांगची अलग अलग पूरी तरह से कवर हो गए। अब वहां पर रुकने का कोई फ़ायदा नहीं था, इसलिए वेंचिंग वांगची को लेकर वापस महल में आ गई। वो विंग को इस तरह से छोड़ना तो नहीं चाहती थी, पर विंग अगर वापस से अपनी हरकत में आ गया तो इससे न सिर्फ वेंचिंग और वांगची बल्कि बाकी बहुत सारे लोगों को खतरा हो सकता है। ये सोचकर वेंचिंग भारी मन से वहाँ से निकल गई। वेंचिंग वांगची को सीधा उसके महल के अंदर ले गई, उसने उसकी दासियाँ चिली और मिली को तुरंत ही वांगची की देखभाल करने के लिए ऑर्डर्स दे दिए। उसने खुद भी अपने सेवकों को बुलाकर हीट कम करने के लिए एक लेप बनाना शुरू किया। जी हाँ, सही समझे, वांगची अपने हीट में आ चुका था, साथ ही विंग भी रट में चला गया था। वांगची का शरीर बहुत बुरी तरह से तप रहा था, और दूसरी तरफ विंग को बहुत ठंड लग रही थी, माना कि वेंचिंग ने उसके पूरे शरीर पर एक बैरियर लगा दिया था, पर जो ठंड उसके अंदर से निकल रही थी उसके लिए वो बैरियर किस काम का। उसे अपना ओमेगा चाहिए था, उसकी हीट चाहिए थी, अभी वो अपने होश में बिल्कुल भी नहीं था, वो बस किसी तरह से इस पैरालाइज कंडीशन से बाहर आना चाहता था। पर वेंचिंग भी कोई आम कल्टीवेटर नहीं थी, उसका ये सबसे सीक्रेट हमला था, इसे तोड़ना विंग के बस में नहीं था। वो उसी हालत में वहाँ पर उसकी पूरी रट खत्म होने तक रहा, उसके लगातार कोशिशों की वजह से उसके नेक से खून बहने लगा था, पर ना ही उसकी कोशिशें रुकी, ना ही वो व्यू टूटा। इधर वांगची भी पूरे 6 दिनों तक बहुत बुरी तरह से तपता रहा, दोनों भी पूरे 6 दिन तक अपनी पूरी उत्तेजना में रहे। वेंचिंग वांगची का ख्याल करने के लिए उसके पास थी, वो उसके पूरे बदन पर लेप लगा रही थी, हाथों पर, पैरों पर, पेट पर, यहाँ तक कि पीठ पर भी। वांगची को खुद भी बिल्कुल होश नहीं था, वो बस अपने अल्फा का नाम जपते जा रहा था। जैसी विंग की कंडीशन थी वही कंडीशन बिना कुछ किए वांगची की थी, जैसे मानो वो अपने अल्फा की तरफ पूरी तरह से सबमिट हो चुका था। जैसा उसका अल्फा कहेगा वही वो करेगा, अब जबकि उसका अल्फा नहीं हिल सकता, इसलिए वांगची खुद भी ऐसी कंडीशन में था कि उसके पास हाथ पैर होते हुए भी बिना किसी तालिस्मान के, बिना किसी और जादू के, किसी व्यू के,
वो ऐसे ही बेहोशी में पड़ा था। उसे जहाँ पर मार्क किया गया था वो जख्म भरने का नाम नहीं ले रहा था। फिंची ने बहुत कोशिश की पर वो उस जख्म को बिल्कुल भी नहीं भर पाई। वांगची के कमर के नीचे एक तौलिया डाला गया था ताकि उसकी दोनों सेविकाओं को उसकी सेवा करने में कोई दिक्कत ना हो। फिंचिंग इन चीज़ों से इम्यून थी पर उसकी दासियां नहीं। वो तौलिया लगभग हर एक घंटे के बाद अपने आप गीला हो जाता और फिंचिंग उसे बदल देती। सेम यही हालत विंग की भी थी पर उसे देखने वाला कोई भी नहीं था। जब पूरे 6 दिन बाद विंग होश में आया उसकी रट कवर हो गई तब उसने सबसे पहले अपनी हालत देखी। उसके बदन पर कोई कपड़े नहीं थे पर हाँ कमर के नीचे कोई गाढ़ी चीज़ ने हर तरफ उसे ढक लिया था। उसने अपने आसपास विंचिंग का बैरियर महसूस किया। जब उसने उस बैरियर से बाहर देखा तो वहाँ पर उसे बहुत कुछ दिखाई दिया। उस मचान पर उसके और वांगची के फटे हुए कपड़े पड़े थे। वो वांगची उसकी ओमेगा सेंट खुद की अल्फा सेंट और फेंचिंग सबकी सेंट महसूस कर पा रहा था। विंग समझ गया कि उसके साथ क्या हुआ है। विंग ने आंखें बंद कर ली ध्यान लगाया। इन 6 दिनों में जो कुछ भी हुआ उसकी आंखों के सामने से गुजर गया। अब विंग ने तुरंत 3 बटरफ्लाई मैसेज भेजे। एक अपने पिता के लिए, दूसरा मैम्या के लिए, तीसरा वेंचिंग के लिए। विंग ने अपने मैजिक के जरिए कपड़े बना लिए और तुरंत वहां से डिसअपीयर हो गया। इधर सबसे पहला संदेश हीलिंग के महाराज को मिला जिसमें लिखा था कि विंग अगले 5 साल के लिए यिनयांग एकेडमी वापस जा रहा है। असल में यिनयांग एकेडमी की जो जगह थी अभी वो खंडर बन चुकी थी पर पाषाण सरण की स्पिरिट अभी भी उस जगह को गार्ड कर रही थी। विंग अपने मास्टर के पास वापस चला गया था। दूसरा मैसेज था म्याम्या के लिए जिसे विंग ने यिनयांग एकेडमी का टेम्प्ररी हेड बना दिया था। अब उसे अपने बाकी के डिसाइबल्स का ख्याल रखना था, उनका कल्टिवेशन कंप्लीट करने में मदद करनी थी। तीसरा मैसेज था फेंचिंग के लिए। विंग ने वांगची की जिम्मेदारी पूरी तरह से फेंचिंग को सौंप दी थी क्योंकि जिस तरह से वो अपने मार्क्ड और अननोटेड ओमेगा को छोड़कर जा रहा था उसे पता था वांगची को बहुत दिक्कतें आने वाली है। उस मैसेज के मिलते ही महल के सारे लोग विंग को ढूंढने के लिए चले गए। एम्परर खुद और मैम्या बाकी की रानियों के साथ। वेंचिंग अपनी जगह से टस से मस न हुई। वह अभी भी वांगची की केयर कर रही थी पर विंग तो कब का जा चुका था। अब उसे ढूंढने का कोई फायदा नहीं था। सब लोग थक हार कर वापस आ गए। उनमें से एक रानी सूली ने विंग के पास जाने का तय किया पर मैम्या ने उसे परमिशन नहीं दी। अब मैम्या की जिम्मेदारी थी कि वो अपने सारे डिसाइपल्स के कल्टीवेशन का ख्याल रखे, उन्हें इमोर्टिलिटी तक पहुंचाए। वैसे ये इतना मुश्किल भी नहीं था। ये सारे लोग एक तरह से विचेस थे, बहुत सारे सालों से जी रहे थे। विंग ने इतनी सी उम्र में उनसे कई ज़्यादा कौशल प्राप्त किए थे। उसका कल्टीवेशन लेवल जन्म के साथ ही बहुत ही उच्च दर्जे का था। वैसे तो पाषाण सरण की यिनयांग एकेडमी में जाने के लिए डिसाइपल्स को बहुत ही कठिन परिश्रम करने पड़ते थे। तब जाकर पाषाण सरण सदियों में कोई एक अपना डिसाइपल सिलेक्ट करती थी। लेकिन विंग के बारे में वो खुद एम्परर के पास चलकर आई थी और उन्होंने विंग को एम्परर से मांगा था क्योंकि उन्हें पता था उनके डिसाइपल्स को अगर इमोर्टलिटी तक कोई पहुंचा सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ विंग है। इसलिए पाषाण सरण ने विंग को इतने कम समय में इतनी अच्छी तरह से तैयार कर दिया था कि वो अपने सारे जिजे का ख्याल रख सकता था। पर अब सारे डिसाइपल्स को खुद का ख्याल खुद ही रखना था, अपने कल्टिवेशन पर ध्यान देना था, साथ ही मैम्या की सारी बात सुननी थी। इस सब कोलाहल में बस एक ही वांगची था जिसे होश आने पर कुछ भी समझ नहीं आया
कि उसके साथ असल में क्या हुआ। उसे कुछ कुछ बातें याद आ रही थीं, जैसे प्रिंस उसे लेकर गए थे, उसे एक पेड़ पर रखा था और उसके साथ बदतमीजी कर रहे थे। पर अभी उसके मन में द्वंद्व चल रहा था। उसका इनर ओमेगा अपने अल्फा को चाह रहा था, पर वांगची खुद विंग से नफरत करता था। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए, सारे हालात पहले जैसे हो गए। रानी महल पहले की तरह अपने कामों में व्यस्त हो गया। बस एक फर्क रह गया, वेंचिंग अब परमानेंटली वांगची के साथ रहने लगी। यहाँ तक कि दोनों के बेड भी एक ही कमरे में लगा दिए गए थे, ताकि 24 घंटे वेंचिंग वांगची पर नज़र रख सके। वांगची की पुरानी जिंदगी फिर से शुरू हो गई। बस एक था, वांगची की आंखें पहले की तरह चमकती नहीं थी, उनमें एक अजीब सा अधूरापन झलकता था। उसकी हंसी पहले की तरह गूंजती नहीं थी, उसमें भी मायूसी सी छा गई थी। पूरे महल में वांगची एक बहुत ज़रूरी इंसान बन गया था। पहले तो वो प्रिंस का बस एक कॉन्क्यूबाइन था, एक आम सा लड़का जो बाकी सारी रानियों के बीच में से एक था। पर अभी हर कोई उसकी बहुत केयर करने लगा था। वांगची को क्या चाहिए क्या नहीं, इस बात पर हर कोई ध्यान देता था। वेंचिंग बार बार उसकी नब्ज़ देखा करती थी, वो ठीक है या नहीं पूछा करती थी, उसे कोई तकलीफ तो नहीं है ये चेक किया करती थी। अगर वांगची को छोटी से छोटी चोट भी लग जाए, उसका जी मचल जाए, वेंचिंग बहुत ज़्यादा परेशान होती थी। इन सब बातों से वांगची का दिल बहल जाना चाहिए था, उसे अच्छा लगना चाहिए था, पर उसे उल्टा सिचुएशन की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। उसके साथ वही व्यवहार हो रहा था जैसा सिचुएशन के राज में होता था। वो फिर से एक बार बहुत ज़रूरी इंसान बन गया था, पर वो ज़रूरी क्यों है ये वांगची को कभी पता ही नहीं चला। पर आज वो कह सकता है कि वो सिचुएशन का छोटा भाई था, उसका इकलौता सगा, इसलिए शायद सिचुएशन उसका इतना ख्याल रखा करता था। पर अब महल में वो इतना ज़रूरी क्यों है ये उसे समझ नहीं आ रहा था। वांगची ने इस बारे में ढूंढने का सोचा, इसलिए उसने सबसे पहले वेंचिंग से कहा कि वो म्यामा जीजे से मिलने जाना चाहता है। पर वेंचिंग ने कहा कि वांगची को तकलीफ़ उठाने की ज़रूरत नहीं है, म्यामा खुद यहाँ आ जाएगी। ये सुनकर तो वांगची के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वेंचिंग ने वांगची को बिस्तर पर बैठकर आराम करने के लिए कहा, साथ ही अपनी दासियों से कहा कि वो म्यामा को बुला कर लाए, क्योंकि वांगची उसे मिलना चाहता है। इधर म्यामा ने जैसे ही ये खबर सुनी कि वांगची उसे याद कर रहा है, वो दौड़ी दौड़ी वांगची से मिलने के लिए चली आई। अब वांगची के महल में वेंचिंग, वांगची और म्यामा तीनों बैठे थे। वेंचिंग चाय बनाकर म्यामा और वांगची को सर्व कर रही थी। वांगची को तो वो चाय का प्याला उठाने में भी थकान से महसूस हो रही थी, तो वेंचिंग ने तुरंत चिली से कहा कि वो वांगची का प्याला उठाकर उसके होठों से लगाए। चिली ने भी ऐसा ही किया, यहाँ तक कि उसने वांगची को प्याले में फूंक तक नहीं मारने दी। वांगची ने अपनी चाय पी ली, उसके बाद उसने म्यामा से थोड़ी देर तक बातें की, इधर उधर की बातें पूछी, फिर उसने अपने दिल की बात बोल ही दी। वांगची ने म्यामा से कहा, जब से मैं जंगल से लौट कर आया हूँ, सभी लोग मेरे साथ इतना अलग अलग क्यों बर्ताव कर रहे हैं जीजे, क्या मुझसे कोई गलती हुई है? तो म्यामा ने तुरंत वांगची के पास जाकर उसके सर पर प्यार से सहलाते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं है वांगची, हम सब तुम्हारी बहुत परवाह करते हैं, तुम अभी बहुत छोटे हो और तुम्हारी सारी चीज़ें और मैं तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तुम्हारी परवाह करते हैं, इसलिए हम नहीं चाहते कि हमारी वांगची को थोड़ी भी परेशानी हो। फिर वो मुंह बनाते हुए बोली, क्या वांगची को जीजे का प्यार करना पसंद नहीं आया? वांगची को ये सब समझ तो नहीं आ रहा था, फिर भी उसने मासूमियत से मुस्कुरा दिया और कहा,
ऐसी बात नहीं है जीजे, वांगजी को सारी चीज़ें बहुत पसंद है। वांगजी की मासूमियत देखकर मम्मी की आंखें नम हो गई और उसने वांगजी से कहा कि अभी उसे चलना होगा। फिर उसने वेंचिंग को भी प्रणाम किया और वो जाने के लिए निकली। वेंचिंग ने चिली और मिली से कहा कि वांगजी को आराम से बिस्तर पर लिटा दिया जाए और फिर वो मम्मी से अलविदा कहने के लिए महल से बाहर आई। बाहर आते ही म्याम्या वेंचिंग के गले लग गई। दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे पर वो कोई आवाज़ नहीं कर रहे थे। पता नहीं अगर वांगजी को कुछ सुनाई देगा तो फिर और परेशानी हो जाएगी। फिर दोनों महल के गेट तक साथ साथ आई। वेंचिंग गेट से बाहर कदम भी नहीं रख रही थी तो म्याम्या ने आगे बढ़ते हुए कहा, उसके पास कितना समय बचा है फिंग का कल्टीवेशन रिस्टोर होने तक का? वेंचिंग ने जवाब दिया, आज के लिए बस इतना ही, आपसे कल मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए। और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और वांगशान बबल में खुश रहिए। थैंक यू।